हेलो एवरीवन, तो आज हम चैप्टर कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, अब देखिए इसमें फर्स्ट देखिए, इन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय केमिकल इक्वेशन, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो प्राप्त होती है किसी केमिकल इक्वेशन के थ्रू, कौन कौन सी होती है। फर्स्ट देखिए, इट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये क्या करता है, जैसे कोई भी इक्वेशन होगी हमारी, तो क्या करें, केमिकल इक्वेशन होगी तो हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, उस इक्वेशन के बारे में। देखिए कैसे, नंबर कि उस इक्वेशन में किसी एलिमेंट्स का क्या नंबर है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और मास, उसका मास क्या है, उसका द्रव्यमान कितना होता है। फिजिकल स्टेट मतलब जैसे क्या ये क्या अपना सॉलिड है या लिक्विड है या गैस फॉर्म में, ये भी हमें बताती है। जैसे कोई केमिकल इक्वेशन निकल, जैसे वाटर की है, ऑक्सीजन की है, वाटर की है, H2O है, तो अपने जो केमिकल इक्वेशन लेंगे वाटर का, तो क्या है, एक लिक्विड की फॉर्म है, तो ये फिजिकल स्टेट बताता है इसका मॉलिक्यूल कितने, इसके नंबर कितने, हाइड्रोजन के कितने नंबर से इसमें 2 है, तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता लग जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है हमको किसी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, कोई भी केमिकल इक्वेशन। सेकेंड देखिए, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन कंडीशन, और ये क्या करता है, हमें रिएक्शन कंडीशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। कंडीशन की कैसी, जैसे अब देखिए, फर्स्ट रिक्वायर्ड टेम्परेचर कि उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, कितने डिग्री टेम्परेचर पर वो इक्वेशन हो रही है हमारी। रिक्वायर्ड प्रेशर, उसका प्रेशर कितना है, उसमें अपन इक्वेशन पे हो रही है, वो हमको प्रोवाइड कराता है। कैटलाइज्ड, ठीक है, उसके बारे में बताता है। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, एब्सेंस में हो रही है, उसके बारे में बताता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में है या एब्सेंस। देखिए नेक्स्ट, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है, यहाँ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और कौन सी एंडोथर्मिक होती है। तो मैंने आपको प्रीवियस के लेक्चर में बताया था कि जो हीट को रिलीज करेगी वो इक्वेशन, तो उसमें क्या साइन आता है, प्लस का साइन आता है, तो उसका मतलब वो क्या होती है, अपनी एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो उस पर क्या साइन आएगा, इक्वेशन पर माइनस का साइन आएगा, तो इसका मतलब वो क्या है, एंडोथर्मिक होती है। तो अपन किसी केमिकल इक्वेशन को देखकर पहचान सकते हैं, उसमें अगर प्लस का साइन है तो मतलब वो क्या है, अभी प्लस के साइन के साथ हीट है तो इसका मतलब वो क्या है, एक्सोथर्मिक है, और माइनस के साइन के साथ वो हीट है तो उसका मतलब एंडोथर्मिक है, मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है उस प्रोडक्ट से, ठीक है। इससे हमें अपन को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है हमको जो अपने जो प्रोवाइड करती है, जैसे कि इक्वेशन में कि रिवर्सिबिलिटी है कि नहीं, कैसे रिवर्सिबिलिटी, क्या मतलब क्या होता है कि जैसे इक्वेशन जो रिवर्स की तरफ जा सकती है, पीछे की तरफ भी जा हो रही है और आगे की तरफ भी हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर अपना ये साइन है, इसका मतलब सिंगल एरो है, तो इस एरो से हम समझ जाएंगे जो अपनी इक्वेशन हो रही है वो सीधी चल रही है, ठीक है, पीछे की तरफ भी होगी दोबारा। अगर ऐसा साइन है, इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ चल रही है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी, मतलब ये क्या है, रिवर्सिबिलिटी हो रही है इस इक्वेशन में। तो ये साइन देखकर हम किसी भी इक्वेशन को जान सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि हम देखते बता दें कि ये क्या है, रिवर्सिबल हो रही है, प्रोसेस हो रही है इस केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हमें कितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है। ये एक केमिकल इक्वेशन को देख कर ही हम समझ जाते हैं इस इक्वेशन में क्या क्या प्रोसेस हो रही है। जैसे कि देखो क्या होती है, इसमें प्रोवाइड कराती है इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में, नंबर पता लग जाएगा कि इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिजिकल स्टेट क्या है, इसकी सॉलिड लिक्विड गैस है कि नहीं, और ये हमें प्रोवाइड करेगा कंडीशन के बारे में, कैसी कंडीशन है उसकी, टेम्परेचर कितना है ना, उसकी हीट की जरूरत है कि नहीं, कितने हीट की जरूरत है, वो भी प्रोवाइड कराती है, और एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है ये भी बताती है, और रिवर्सिबल है या सीधी अपनी स्टेट एरो से सो हो रही है, जिसमें होगा सीधी चल रही है। तो ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। क्या लिमिटेशन कैसी है, जैसे किसी भी इक्वेशन होती है केमिकल इक्वेशन में, उसमें लिमिटेशन होती है, जैसे कि इट डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉम्प्लीटेशन ऑफ रिएक्शन, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि ये रिएक्शन हो रही कि नहीं। जैसे कि मान लो अपनी ए है और प्लस बी, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं और ये अपना ए भी बन रहा है, ये तो अपना सही है क्योंकि ए भी बनेगा, लेकिन कई कई बार रिएक्शन होती है, अपन कोई भी सब्सटेंस मान लो और कोई अदर सब्सटेंस मान लो, इन दोनों की रिएक्शन ना हो फिर भी ये मतलब कि अपन को ये पता नहीं रहता ना कि प्रोवाइड नहीं कराता इन्फॉर्मेशन कि ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, तो ये इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कराता कि ये रिएक्शन पूरी होगी कि नहीं, तो ये क्या इसकी लिमिटेशन है।
कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट क्लियर बाई केमिकल इक्वेशन. जो कंसेंट्रेशन होती है जो किसी भी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, वो है ना कि इसमें दे नहीं रहती है, इस सब्सटेंस की इतनी कंसेंट्रेशन होती है तो केमिकल इक्वेशन में ये क्लियर नहीं रहता. ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन होती है. आप देखिए, आपका एक क्वेश्चन उठता है इस चैप्टर में, प्रूव दैट टोटल मास रिमेन कंसर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और वाई इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड. जो इस अपनी जो इक्वेशन होती है उसको बैलेंस में क्यों रखना चाहिए, बैलेंस इक्वेशन उसको बैलेंस में क्यों रखना चाहिए. तो ये बैलेंस इक्वेशन को क्यों लिया जाता है, मेथड को यूज किया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में, उसके बारे में देखिए. केमिकल रिएक्शन फॉलो मास कंजर्वेशन लॉ. जो केमिकल रिएक्शन होती है वो किसको फॉलो करती है, मास कंजर्वेशन के. इट मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. तो जैसे कि टोटल मास होगा उसका तो किसके बराबर होगा, इक्वल होगा प्रोडक्ट के बराबर. ठीक है, जितना अपना रिएक्टेंट है उसका जितना नंबर है उसके बराबर ही अपना होना चाहिए प्रोडक्ट. तो अपनी क्या होगी, इक्वेशन सही है. अगर ये प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है वो कम नंबर में है और अपना जो रिएक्टेंट है वो क्या है, आधा नंबर में, तो इसका मतलब जो अपनी इक्वेशन गलत है. तो अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा कुछ नंबर ऐड करके. तो देखिए, 2mg + SO2, जो अपना 2mg और अपना SO2 है, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है. तो क्या बन रहा है, 2mg बन रहा है. तो अपना देखो, 2 तो अपना अलग लिख लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करें. mg की जो अपना क्या है, एटॉमिक नंबर होता है, अपने 9th क्लास में पढ़ाता है, एटॉमिक नंबर होते हैं अलग अलग केमिकल सब्सटेंस के. तो उसका mg का कितना होगा, 24 होगा. अब 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 48 आएगा. अब O2 का देखो, O का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है. तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 इसके नीचे दे रखा है, O2 है ना, दो O है, तो उसका आएगा 32 होगा. अब 32 और 48 को काउंट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा. अब इसका देखो, 2mg है तो mg है, 2 को अलग कर देंगे, mg का कितना है, एटॉमिक नंबर 24 प्लस 16, तो इन दोनों को काउंट कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको ऐड करके. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा. तो अपना 80 और 80, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम सेम है ना, तो इसका मतलब क्या, अपनी इक्वेशन ठीक है. और इसलिए अपन क्या, बैलेंस करना जरूरी रहता है किसी भी इक्वेशन को. अगर मान लो इसमें अपन ये नंबर है इसके आगे 2 लग रहा है, अगर इसको 2 नहीं लगाएंगे तो हमारी जो बैलेंस होगी, जो हमारी इक्वेशन होगी वो बैलेंस नहीं होगी. तो ये नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबके आगे 2 लगा रखा है. अब इसका 2 हटा दूं, इसका 2 हटा दूं, तो क्या होगा, हमारी इक्वेशन गलत कहलाएगी क्योंकि इसके नंबर सेम नहीं आ रहे, रिएक्टेंट के बराबर नहीं हो रहे. ठीक है, तो ये भी हम हमारे नंबर ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे इक्वेशन को बैलेंस करती है. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में.